जेपी नड्डा जी ने कम से कम इतना तो हाल तो पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, लेकिन चारों सांसद जो यहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनका संसद जो चली हुई थी उसमें भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि कितना नुकसान हुआ, कब तक आप उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मदद क्या कर रहे हो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के दौरान हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले चारों लोकसभा सांसदों पर तो निशाना साधा, लेकिन राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बख्श दिया। सुक्खू ने बाकायदा ये भी कहा कि नड्डा ने कम से कम हाल तो पूछा। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात के चर्चे शुरू हो गए हैं कि सीएम सुक्खू ने जब हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले चारों लोकसभा सांसदों पर निशाना साधा, जिसमें कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल है, तो नड्डा को क्यों बख्शा। अब नड्डा को क्यों बख्शा, इसका जवाब सीधा है कि सुक्खू इन विपरीत परिस्थितियों में नड्डा को केंद्र के साथ लूप में रखना चाहते हैं, ताकि केंद्र के साथ एक कड़ी बनी रहे, क्योंकि प्रदेश के भीतर जिस तरह से जयराम ठाकुर मुखर होकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में अगर सुक्खू नड्डा से भी पंगा ले लें तो केंद्र के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए सुक्खू ने एक कार्ड खेलते हुए नड्डा को इन स्थितियों में बख्शना ही ठीक समझा। ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है, और कहां से चला मेरी स्टेटमेंट तो दिखाइए। आप उनको बोले कि राजनीति ना करे, जो चारों सांसद है जो चुनकर हिमाचल प्रदेश से दे गए हैं, जब से आपदा आई है मुझे ये बताइए कि कभी कि आपका चारों सांसदों का डेपुटेशन कभी आप होम मिनिस्टर से मिला है कि राज्य में आपदा है इसको क्यों घोषित करिए आप अंतरिम राहत दीजिए, कभी वो प्रधानमंत्री से मिला है। हम खुद मिले हैं, मैं तो उनसे जेपी नड्डा जी ने कम से कम इतना तो हाल तो पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, लेकिन चारों सांसद जो यहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनका संसद जो चली हुई थी उसमें भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि कितना नुकसान हुआ, कब तक आप उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप मदद क्या कर रहे हो। तो बिहारी को आपदा में राजनीति कर रहे हैं, और इन चारों सांसदों को पूछना चाहिए, जनता पूछेगी आपसे, आप जनता के वोट द्वारा चुनकर गए हैं, आप सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ में कहाँ आपने संसद में आपदा में राहत उठाई, इस बारे में आप उनसे सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद।